और भाई स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से चार रन के लिए। और इस बार स्ट्रेट स्ट्रोक को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छह रन के लिए। हाफ फोर ही बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज जिमी दरबान ने छह रन के। और इस बार ये खूबसूरत उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला काव कॉर्नर के ऊपर से फ्लैट सिक्स रन के लिए। और इस बार भी दस मिनटों को खेला गया गेंद गई सीधी वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रन के लिए। स्क्रम में बेस्ट बैट्समैन का भी बिरुद हासिल कर चुके हैं और इस बार पंच किया है बेहतरीन पंच किया है और रोकने की पूरी कोशिश की गई पार्थ की। इस बार पंच किया है गेंद जा रही है सीधी डी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छह रन के लिए। ये पुल जरूर किया था वाइड मिड विकेट के ऊपर से छह रन के लिए। छह रनों के साथ इनके हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपया। और ये आइए देखिए गैप जरूर था आगे नहीं आया फील्डर वहां। इस बार सामने गेंद कर दी और बीच गेंद गेंद को निकाल दिया जिमी दरबान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शो को खेला बल्लेबाज जिमी दरबान ने छह रन के लिए। और इस बार स्लॉग किया है डीप मिड विकेट के ऊपर से छह रन के लिए छह रनों के साथ। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला एक पंच किया था बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी कवर बाउंड्री लाइन की और चार रन के लिए। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छह रन के लिए जिमी दरबार ने। इस बार देखिए स्वीप किया बल्ले फ्लिक किया है बल्लेबाज ने मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट सिक्स। और इस बार पुल किया है गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से। और इस बार इस लॉक किया है डीप मिड विकेट के ऊपर से छह रन के लिए। और इस बार देखे इस बार एक शॉर्ट आर्म पुल किया गया है बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है। और इस बार पुल किया है गेंद जा रही है सीधी। इस बार पुल किया है इस बार देखना पड़ेगा गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। ये पंच किया है बहुत दूर चेन गली देखे कहा गेंद जा रही है सीधी। ये फ्री किया है ये देखे आ गया है वी दस मिनट को खेला गया डीप मिड विकेट की ओर। ये बार पंच किया है गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री बेहतर जेनिस। ये डाउन द ग्राउंड हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक बाद में दूसरा सेमीफाइनल धूम इलेवन और